एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, यूपीएससी या फिर पीजीटी या फिर हायर एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सभी फ्रेंड के साथ शेयर, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोशल मोबिलिटी जो वर्ड है, ये दिया था पीए सोरोकिन ने, इनकी बुक थी सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी 1927 में। इसमें इन्होंने बोला था कि जब भी कोई व्यक्ति या समूह एक दूसरे का स्थान या उसका स्तर बदलता है, मीन्स कि जब स्तरों में परिवर्तन होता है, स्थान में परिवर्तन होता है, तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। वहीं पर जो बोगार्ट्स थे, उन्होंने कहा था कि जब सामाजिक पद में परिवर्तन होता है तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। अब हम देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, पहली जो होती है वो आपकी होती है क्षैतिज, ये इसको समतल भी बोलते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है, ये जो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता है, ये दी थी आपके सोरोकिन ने, मीन्स की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये चारों प्रकार की गतिशीलता इसका वर्णन किया था सोरोकिन ने। समझते हैं है क्या। तो जो क्षैतिज गतिशीलता होती है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का पद वही रहता है, मतलब कि उसके जो उसका जो स्थान है, उसका जो स्तर है, वो वही रहता है, बस वो यहाँ से वहाँ स्थानांतरित हो जाता है। सपोज कोई लेबर है और वो मुंबई के किसी कारखाने में काम कर रहा है, फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाए दिल्ली के किसी कारखाने में, तो वो है तो लेबर ही, लेकिन अब वो मुंबई से दिल्ली आ गया, तो ये एक तरीके की क्षैतिज गतिशीलता है। मीन्स कि जैसे कोई क्लर्क है और वो क्लर्क के पद पे ही रहे लेकिन कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो उसका जो स्तर है, जो उसका लेवल है हायरार्की में, वो बराबर ही रहा, बस वो जगह बदल गई। तो इस तरीके की जो गतिशीलता होती है, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, इसमें क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है तो वो पहले क्लर्क था और अभी उसको बना दिया जाए मैनेजर, तो उसने सीधे सीधे यहाँ से छलांग लगाई ऊपर की तरफ, तो ये हो गई वर्टिकल गतिशीलता। अब ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, यहाँ पे ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। तो ऊर्ध्वमुखी जो गतिशीलता होती है, इसमें क्या होता है, ये इसी के अधीन होती है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ही, तो जब गतिशीलता हल्का सा ऊपर की तरफ होती है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी। मीन्स कि जैसे कि कोई क्लर्क था और वो क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, थोड़ा सा उसका पद अच्छा हो गया, तो उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वमुखी। मीन्स कि हल्का सा अपवर्ड हुआ, ऊपर की तरफ जाती हुई गतिशीलता, बिल्कुल ऊपर नहीं गया लेकिन हल्का सा उसके पद में परिवर्तन हुआ। अधोमुखी, जब उसका नीचे की तरफ पतन होता है, मीन्स कि क्लर्क था और क्लर्क से थोड़ा सा नीचे उसको टाइपिस्ट वगैरह कुछ भी बना दिया गया, इस तरीके का कोई पद दे दिया गया, तो वो हो गई उसकी अधोमुखी गतिशीलता। अंतर पीढ़ी गतिशीलता और अंतरा पीढ़ी गतिशीलता, ये जो गतिशीलता थी, ये इसका वर्णन किया था लिफसेट और बेंडिक्स ने। इसमें क्या होता है कि जो अंतः पीढ़ी गतिशीलता होती है, मीन्स कि इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी, तो इसमें एक ही पीढ़ी के अंदर गतिशीलता देखने को मिलती है। मीन्स कि मैं हूँ, मेरे भाई बहन हैं, इन सभी में, जैसे मैंने कुछ सपोज कि मैं टीचर हो गई, मेरी बहन असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई, मेरा भाई प्रोफेसर हो गया, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे और फिर बहन उससे नीचे, फिर मैं उससे नीचे, इस तरीके से अगर आए तो ये डाउन की तरफ आ रहे हैं। तो एक ही पीढ़ी के अंदर जब गतिशीलता देखने को मिलती है, तो वो हो गई अंतः पीढ़ी। और अंतर पीढ़ी यानी कि इंटर जनरेशन मोबिलिटी, जब दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ, मीन्स कि मेरे पापा फार्मर थे एंड मैं बन जाऊँ प्रोफेसर, और मेरी जो अगली जनरेशन हो वो बन जाए सपोज कुछ और बड़ा अधिकारी, तो इस तरीके से जब दो तीन पीढ़ियों में जनरेशन में गतिशीलता होती है, तो वहाँ पे हम उसको कह सकते हैं कि अंतर पीढ़ी गतिशीलता। और ऐच्छिक और अनिवार्य गतिशीलता क्या होती है, ऑप्शनल यानी और मैंडेटरी,
ये जो गतिशीलता थी इसको बताया था कार्ल मैनहिम ने। कार्ल मैनहिम के अकॉर्डिंग जैसे कि ऐच्छिक वो होती है जिसमें हम चाहें, जिसको हम चाह करके करें। सपोज दैट शिक्षा हो गई, राजनीति हो गई, या फिर हमारा हम थॉट प्रोसेस हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं तो वो हम चाह करके करते हैं। लेकिन अनिवार्य क्या है, हमारी आयु हो गई, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और आयु के अकॉर्डिंग हमारी लंबाई वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये अनिवार्यता है, ये बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो ये हो गई अनिवार्य गतिशीलता। यहीं पे एक गतिशीलता होती है जिसको बोलते हैं उन्नतिशीलता। ये सोरोकिन ने ही दिया था। उन्नतिशीलता में ये होता है कि जब हम चाह करके, हम चाहते हैं कि उस पद पे पहुंच जाएं और फिर हम पहुंच गए, तो उसको बोलते हैं उन्नतिशीलता या फिर उत्थानशीलता। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।